हेलो एवरीवन, चिल्ड्रन एकेडमिक ग्रुप ऑफ स्कूल से वैकेंसी आई है। स्कूल टीचर्स की टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी की पोस्ट रहने वाली है। सैलरी काफ़ी अच्छी आप लोगों को यहां पर मिलेगी। कोई परीक्षा नहीं होगी। फ्रेशर एलिजिबल रहने वाले हैं। यहां पर अगर आपने बीएड किया है, डीएड किया है, बीटीसी किया है, एनटीटी कोर्स किया है, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को पोस्ट जो है दिखा देती हूँ। चिल्ड्रन एकेडमिक ग्रुप ऑफ स्कूल की प्री प्राइमरी में जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो कही गई है, ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपने ECCED यानी कि आपने एनटीटी कोर्स, कोई आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है, 34,404 पर मंथ। प्राइमरी के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट प्लस डीएड या डीएड यानी दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। 48,730 पर मंथ सैलरी दी जाएगी प्राइमरी सेक्शन में। स्पेशल जो यहाँ पर ग्रेजुएट इंग्लिश मीडियम के होने चाहिए। इन सभी वैकेंसी के लिए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, हिंदी मीडियम स्टूडेंट दोनों ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जहां पर प्राइमरी सेक्शन सपोर्ट के लिए केवल इंग्लिश मीडियम ग्रेजुएट स्टूडेंट चाहिए, बाकी अभी हमने जो प्री प्राइमरी प्राइमरी देखा, तो यहां इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों ही एलिजिबल रहने वाले हैं। सेकेंडरी में जो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, साइंस और मैथ्स है, तो उसमें जो क्वालिफिकेशन कही है ग्रेजुएट प्लस बीएड। सीटेट की यहाँ पर जो है कोई भी आप देख रहे हैं, कुछ भी यहाँ नहीं मांगा गया है। चाहे आपने एसटेट किया है, सीटेट किया है, तो जो है आप लोगों को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, वरीयता मिलेगी, बट यहाँ पर जो है कंपल्सरी नहीं है, ना तो सीटेट कंपल्सरी है और ना ही एक्सपीरियंस। 55,373 पर मंथ यहाँ पर मिलेगी और 6 to 8 क्लास को पढ़ाने के लिए। सेकेंडरी में जो है आगे 9 से 10 तक को पढ़ाने के लिए इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस और मैथ सब्जेक्ट हैं, ग्रेजुएट प्लस बीएड कहा गया है, और यहाँ पर 57,016 पर मंथ सैलरी मिलेगी। ड्राइंग में यहाँ पर केवल मेल अप्लाई कर पाएंगे। जीडी आर्ट या BFA, ATD या AM सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन में अगर आपके पास है, तो 44,760 पर मंथ। नेक्स्ट फिजिकल एजुकेशन में भी जो है मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, जहां पर आप ग्रेजुएशन के साथ में BPED मांगा गया है, या फिर आपने BED फिजिकल में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर सैलरी 44,760 पर मंथ। कंप्यूटर के लिए जो है यहां पर कहा गया है सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए और प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि सेकेंडरी में जो है बीएड प्लस एमएससी आईटी से किया है, या आपने एमसीए किया है, और आपने 2 साल का पीजी डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में, 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए। प्राइमरी के लिए यहाँ पर 5 साल का डिप्लोमा और साथ में बीएड, एमएससी आईटी, एमसीए, ग्रेजुएट 2 साल का पीजी डिप्लोमा। नेक्स्ट जो है बिना एक्सपीरियंस के भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है एक ऑप्शन यहाँ दिया है 42,296 पर मंथ जिसमें आपको मिलेगी, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहेगी जहाँ बिना एक्सपीरियंस के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी आईटी से अगर आपने किया है, बीसीए किया है, या फिर आपने ग्रेजुएट के साथ में 2 साल का पीजी डिप्लोमा है आपके पास, तो आप लोग कंप्यूटर के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सैलरी 42,296। नेक्स्ट देखें, स्पेशल एजुकेटर के लिए जो है बीएड आपके पास होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, साथ में आपने स्नातक किया है 43,528। काउंसलर के लिए आपके पास एमए साइकोलॉजी से और क्लिनिकल या काउंसलिंग में आपके पास डिप्लोमा या डिग्री। नेक्स्ट लाइब्रेरियन के लिए आपके पास जो है डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ में। म्यूजिक में भी जो है यहाँ पर बैचलर डिग्री और साथ में आपके पास संगीत विशारद जो है, जो भी म्यूजिक के स्टूडेंट हैं वो आप समझ ही रहे हैं, 39,969 पर मंथ। क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट या एडमिन स्टाफ की जो वैकेंसी है, तो ये इसमें स्पेशल लिखा है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो अच्छे से बोलना लिखना जो है इंग्लिश में आना चाहिए, ग्रेजुएट पास होने चाहिए, इंग्लिश एंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग एंड कंप्यूटर ये आना चाहिए, और सैलरी मिलेगी यहाँ पर क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट और एडमिन स्टाफ के 29,565 रुपीज़ पर मंथ। ये डिटेल मैंने आप लोगों को अच्छे से जो है
बता दी है। अभी जो है नीचे अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को अपना जो है एक रिज्यूम तैयार करना है, बायोडाटा आपको तैयार करना है, और यहाँ पर आप लोगों को अपलोड कर देना है। ठीक है, बस इतना ही करना है। और बाकी जो है यहाँ पर चूज सेक्शन में आप लोग क्लिक करेंगे तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सेकेंडरी सेक्शन के लिए, प्राइमरी के लिए, प्री प्राइमरी या एडमिन अकाउंट क्लर्कल, तो आप इसको चूज करेंगे। नेक्स्ट जो कॉलम है चूज ब्रांच, जिसमें आप लोगों को देखना है यहाँ पर चार ब्रांच हैं जो आप सिलेक्ट करेंगे, जहाँ के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जहाँ आप जॉब करना चाहते हैं। तो यहाँ लिखा है मलाड ईस्ट, अशोक नगर, कांदीवली ईस्ट, नेक्स्ट थर्ड है ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदीवली ईस्ट और थाने। ठीक है, तो ये चार जगह हो गई जहाँ आप लोगों को पोस्टिंग मिलेगी, तो ये आप चूज़ करेंगे इन ब्रांच को। नेक्स्ट एंटर योर नेम, अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, और उसके बाद अपना रिज्यूम अपलोड कर देना है। बस इतना सा ही जो है आप लोगों को करना होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को मेन वेबसाइट जो है वो दिखा देती हूँ। गूगल पे आपको जाना है, गूगल पे चिल्ड्रन अकेडमी आप लोग टाइप करेंगे, सबसे ऊपर ही जो है लिंक नज़र आ जाएगा, और जैसे ही ये ओपन होगा ये देखिए चिल्ड्रन अकेडमी ग्रुप ऑफ स्कूल, ये आ गया स्कूल की मेन वेबसाइट। और यहाँ पर आप लोगों को करियर सेक्शन पर चले आना है, और इस तरीके से आपके सामने जो पेज ओपन होगा तो नीचे तक आप आएंगे, करंट ओपनिंग में आपको डिटेल, क्वालिफिकेशन और कितना जो है सैलरी आपको मिलेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एज जो है वो बिल्कुल एज नहीं लिखी गई है, केवल क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखी गई है। तो इसी के आधार पर जो है आप लोग अपना फॉर्म फिल करेंगे। ईमेल एड्रेस आप लोगों को बिल्कुल वही देना है जो कि आप करंट में यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को कॉल आए या मैसेज आए। फ़ोन नंबर भी आप देंगे जिससे कि आप लोगों को बुलाया जाए। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, और इंटरव्यू के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। बहुत अच्छी जो है सैलरी यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।